पानी को जो है हवा में छोड़ देंगे, ठीक, पानी हवा में टिक जाएगा। अब वह कैसे टिकेगा दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि दुनिया में कोई भी चीज हो उसको अगर हम ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो ये क्या होता है, ऊपर से जो होता है नीचे आ जाता है। जैसे कि हमारा कलम है ना, यहाँ पर हम इसको ऐसे करें नीचे आ गया, ठीक, ये हमारे नीचे आ गया। किसके कारण नीचे आया? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आया, ठीक। और आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, पानी को जो है हवा में छोड़ देंगे, ठीक, पानी हवा में टिक जाएगा। अब वह कैसे टिकेगा, इसके लिए हमें तीन चीज की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी चीजें। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक गत्ता चाहिए, ठीक, और एक कांच या गिलास हम ले लेंगे, ठीक। और इस कांच के गिलास में हम लोग क्या करेंगे, पानी भर देंगे, फुल एकदम पानी भर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको पानी में भर देते हैं, पानी को इसमें भर देते हैं। चलिए यहाँ पे भर देते हैं, देखिए पानी को हम एकदम फुल भर दिए, ठीक, इतना पानी भरना है कि इसमें कुछ गैप ना बचे। देखिए पानी भर दिए ना, अब देखिए इसमें क्या होगा, देखिए आप लोग एकदम ध्यान से, और इसमें कुछ गैप ना बचे। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारे क्या गत्ता ना, फिर आपको क्या करना है, इस गत्ते को जो है इसके ऊपर ऐसे करके रख देना है, ठीक, ऐसे हम रख दिए, ठीक। तो क्या होगा यहाँ पर, आप लोग एकदम ध्यान से देखिए क्या होगा, अगर इसको जो है ऐसे करके मोड़ा जाए, इसको अगर ऐसे करके मोड़ा जाए, देखिए यहाँ पर मोड़ दिया है ना, तो क्या होगा, पानी नीचे गिरेगा कि नहीं बताइए सभी लोग, पानी जो है नीचे नहीं गिरेगा, देखिए टिक गया ना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो आप लोग बताइए कि ये किसके कारण जो है पानी टिक गया है, इसमें पानी टिक गया है ना, तो किसके कारण टिका है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को जो है एकदम शेयर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे नहीं गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है, ग्रेविटी काम है इसमें।